हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर आप प्रिवेंट यानी बचाने के लिए उसे मेंटेन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी नहीं होता। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट After installation and commissioning of electrical equipment like other machines needs a carefully planned program of checks and maintenance for satisfactory trouble-free service provided। इसका मतलब है कि हम जब इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से उनको खरीद के किसी एक जगह से दूसरे जगह जहाँ पे उसको हमको सेट करना है वहाँ पे हम उसको लेके आए, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलेशन विदाउट डैमेज। अब कमिश्निंग का मतलब होता है कि उस चीज़ को हम टेस्ट करके फिर उसको वहाँ पे फिक्स करें। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए इंस्टॉलेशन एंड कमिश्निंग होता है। इससे बहुत सारे मशीन्स होते हैं, अब उसको अगर केयरफुली प्लान तरीके से अगर हम उसको चेक करेंगे फिर उसे मेंटेन करेंगे डेली की उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे वो प्रॉपर वर्क करेगा, इससे क्या होगा, हमें जो सर्विस है वो बिना किसी ट्रबल के हमको मिलेगी। नाउ ऑर्डरली रूटीन, ऑर्डरली रूटीन में क्या है अपने पास, पहला है इंस्पेक्शन, सेकंड है टेस्टिंग, क्लीनिंग एंड एडजस्टिंग, ड्राइंग, अलाइनिंग, वर्निशिंग, लुब्रिकेटिंग एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब पहले तो हम उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, जो हमारा डेली का ऑर्डरली रूटीन होता है मेंटेनेंस के लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, वो एक इस वे पे होता है। इंस्पेक्ट करना यानी पहले हम उसको चेक करें कहीं से टूटा तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, डैमेज नहीं है, किसी भी एक इक्विपमेंट को या किसी भी टाइप के इक्विपमेंट्स लगे सबको इंस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड है उसको टेस्ट करेंगे कि वो सही सही चल रहा है कि नहीं, फिर उसको रोज़ सफाई करनी होती है, उसे एडजस्ट करना होता है अपनी फिक्स पोजिशन पर वो लगा है कि नहीं, ये चेक करना होता है, फिर उसे मैक्सिमम टाइम सूखा रखा जाता है और उसके अलाइनमेंट सही है कि नहीं वो चेक किया जाता है, इसके बाद उसे वार्निश किया जाता है, एट लास्ट उसको लुब्रिकेट किया जाता है। अब हम जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं उसके कारण कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि पहला है इट प्रोवाइड्स प्लान शट डाउन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी। इसका मतलब है जब कोई काम ना हो रहा हो उस समय हम उसमें शट डाउन करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंड है इंटरप्शन इन सर्विस आर मिनिमाइज्ड, कोई भी रुकावट अगर हमारे सर्विस में आ रहा है यानी हमारी सप्लाई मिल रही है उसमें जो रुकावटें आती हैं वो नहीं होगा, ठीक है, उसे बहुत कम कर देता है। नेक्स्ट है माइनर फॉल्ट कैन बी डिटेक्टेड, छोटे मोटे फॉल्ट जो हैं इसके थ्रू डिटेक्ट हो जाते हैं। रिपेयर कॉस्ट आर रिड्यूस्ड, जो हमारा रिपेयरिंग कॉस्ट होता है इक्विपमेंट्स के लिए वो कम हो जाता है, और इसे प्रॉपर केयर ऑफ मोटर, मोटर का तरीके से ख्याल रखा जाता है। रिड्यूस नंबर ऑफ फेलियर्स, किसी भी इक्विपमेंट को ख़राब होने से ये बचाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन, देन ऑर्डरली रूटीन पढ़ा कि रूटीन में हम उसको कैसे चेक करते हैं, देन उसका एडवांटेज, उसको करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट्स फॉर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू बी टेकन, कुछ पॉइंट्स है जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के समय हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला उसका लोकेशन एंड सिचुएशन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उसका लोकेशन और सिचुएशन हमें पता होना चाहिए। देन मैन पावर अवेलेबिलिटी, जो लोगों को काम करना जो होता है वो हमें अवेलेबल होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ सर्विस, किस टाइप का सर्विस हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट लास्ट है कि टाइप ऑफ लुब्रिकेंट और इंसुलेटिंग ऑयल, ये जो लुब्रिकेंट और इंसुलेटिंग ऑयल जो हम यूज़ करेंगे उसका टाइप। नेक्स्ट हम आते हैं आइटम्स टू बी प्रिवेंट, जिस चीज़ों को हमको बचाना चाहिए। तो सबसे पहले है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर, नेक्स्ट है हमारे पास लोड, जो हमें लोड वहाँ पे ऐड करते हैं, देन कंडीशन ऑफ ब्रीथर, कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड डर्ट ऑन बुशिंग, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, अर्थ रेजिस्टेंस और एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान पे रखनी पड़ती हैं कि इन चीज़ों को प्रिवेंट करना, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका कंडीशन कैसा है, वो वर्किंग में है कि नहीं। नेक्स्ट होता है अपना बुशिंग जो रहता है उसमें डस्ट और डर्ट के कारण जो एक लेयर जम जाता है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर हम देखें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर इंडक्शन मोटर, जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल कैसे बनाते हैं, तो सबसे दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक डेली मेंटेनेंस होता है यानी रोज़ रोज़ उस चीज़ को मेंटेन करना, कौन कौन सी चीज़ें डेली मेंटेन की जाती है उसका यहाँ पे नाम लिखा है।
नेक्स्ट होता है हमारे पास वीकली मेंटेनेंस, ठीक है, यानी हफ्ते में जो मेंटेनेंस होता है। तो डेली मेंटेनेंस के लिए एग्जामिन द अर्थ कनेक्शन एंड मोटर लीड, जो हमारे पास अर्थ कनेक्शन और मोटर लीड होता है उसको हम एग्जामिन करना पड़ता है। नेक्स्ट चेक मोटर वाइंडिंग फॉर ओवरहीटिंग, जो मोटर वाइंडिंग होती है उसको चेक करना पड़ता है ओवरहीटिंग के कारण। चेक कंट्रोल इक्विपमेंट, जो कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चेक करना पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें डेली मेंटेनेंस में करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वीकली मेंटेनेंस। वीकली मेंटेनेंस में फर्स्ट है बेल्ट का जो टेंशन होता है, टाइटनेस जो होती है, उसे हमें चेक करना पड़ता है। सेकेंड, इफ़ नीडेड क्लीन वाइंडिंग बाय माइल ब्लोइंग, जो हमारा क्लीन वाइंडिंग जो होता है उसे क्लीन किया जाता है माइल ब्लोइंग से। देन इक्विपमेंट को जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसे चेक करना पड़ता है, और जो कंटेमिनेशन होता है डस्ट के कारण ऑयल में उसको चेक करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट, ब्रश एंड रिंग्स को भी चेक करना। अब उसी मोटर के लिए हमें यहाँ पे मंथली मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिसमें हमें इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और रिन्यूएबल ऑफ ऑयल, सर्किट ब्रेकर का इंस्पेक्शन, सर्किट ब्रेकर का क्लीनिंग एंड रिन्यूएबल ऑफ ऑयल, इन तीन चीज़ों को मंथली देखा जाता है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि वीकली चेक करना, ठीक है, और डेली चेक करना। अब हमने मंथली देखा, तो मंथली में सर्किट ब्रेकर को इंस्पेक्ट करना, क्लीन करना और ऑयल को रिन्यू करना। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ ईयरली, यानी 6 महीने में हम मोटर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो क्लीन करके चेक द स्लिप रिंग, स्लिप रिंग को हम लोग चेक करेंगे। देन चेक ग्रीस इन बॉल एंड रोलर बेयरिंग, यानी ग्रीस जो है आपके बॉल और रोलर बेयरिंग में उसको चेक करेंगे। देन ड्रेन ऑल ऑयल बेयरिंग, वॉश विथ पेट्रोल इन विच ऑयल इज एडेड। अब सारे जो ऑयल बेयरिंग है उसको ड्रेन करके हम उसको पेट्रोल से वॉश करेंगे जिसमें ऑयल मिला हो। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट एनुअल मेंटेनेंस। अभी हमने 6 महीने का मेंटेनेंस देखा था, अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे एनुअल मेंटेनेंस। तो चेकिंग हाई स्पीड बेयरिंग, जो हाई स्पीड बेयरिंग होती है उसको चेक करते हैं। ब्लो आउट ऑल मोटर वाइंडिंग, जो हमारा मोटर वाइंडिंग होता है जो ब्लो आउट होता है उसको चेक करेंगे। देन क्लीनिंग एंड वार्निशिंग ऑफ डस्ट, डर्टी एंड ऑयली वाइंडिंग, जो हमारा डर्टी यानी गंदा वाइंडिंग जब गंदा हो जाता है या ऑयली हो जाता है उस टाइम उसको क्लीन और वार्निश करते हैं। रिन्यूअल ऑफ स्विच एंड फ्यूज कॉन्टैक्ट, जो फ्यूज़ और स्विच होते हैं अपने पास, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसके, उसको हम रिन्यू करते हैं यानी चेंज करते हैं। देन चेक ऑयल, ऑयल को चेक करेंगे कि वो ख़राब तो नहीं। रिन्यू ऑयल इन स्टार्टर, अब जो हमारे पास स्टार्टर होता है उसकी ऑयल को रिन्यू करेंगे। मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है उसको मेजर करते हैं। चेक अर्थिंग एंड एयर गैप, अब एयर गैप और अर्थिंग को चेक करते हैं। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा वो मोटर के लिए था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब किस शेड्यूल में हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन का, तो उसको देखेंगे। पहले हम वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ पोल इसको चेक करते हैं, ठीक है, जो अलाइनमेंट होता है पोल का वो वर्टिकली है कि नहीं उस चीज़ को चेक करते हैं। सेकेंड पॉइंट, बर्ड नेस्ट शुड बी रिमूव, अगर किसी चिड़िया ने वहाँ पे घर बनाया तो हमें उसे रिमूव करना पड़ता है। फिर इंसुलेटर्स को इंस्पेक्ट, यानी वो टूटा तो नहीं है या उसे डैमेज तो नहीं है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। चेक फॉर टेंशन, अब मैंने जैसे बताया था वहाँ पे जो टेंशन है उसको चेक करते हैं कि ज़्यादा टेंशन तो वहाँ पे है नहीं। प्रॉपर रेमिंग अराउंड पोल एंड स्लोप, पोल एंड स्लोप को चेक किया जाता है। ट्रिम ट्रीज शुड बी रिमूव, वहाँ से पेड़ों को हटाया जाता है। चेक अर्थ रेजिस्टेंस इन अर्थ, लास्ट पॉइंट है कि हमें अर्थ रेजिस्टेंस और अर्थिंग को स्विच करना है। थैंक यू।